कि जब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, तब का किस्सा है कि वो आई मैं आया, अब तक सब कुछ ठीक था। वो आई मैं आया, अब तक सब कुछ ठीक था। वो गई मैं गया, वो गई मैं गया, अब दिल उसका मुरीद था। फिर कुछ मुझे लगा कि हाँ शायद कुछ हुआ। फिर कहा है कि हदों में रहकर बेहद चाहा तुम्हें, हदों में रहकर बेहद चाहा तुम्हें, अब ये दीवाना कहाँ जाएगा, अब ये दीवाना कहाँ जाएगा। मुझे जमाना साथ लेकर चलना है, मुझे जमाना साथ लेकर चलना है। मैं तो तेरी ओर मुड़ गया, अब जमाना कहाँ जाएगा। मैं तो तेरी ओर मुड़ गया, अब जमाना कहाँ जाएगा। स्टार्ट करता हूँ मेरी पहली मुलाकात से कि पहले पहल जब उसके पहलू से मैं जुड़ गया था, पहले पहल जब उसके पहलू से मैं जुड़ गया था। हाँ मुझे याद है उसी वक्त दिल मेरा उसकी तरफ मुड़ गया था। चाहता था कि कर दूँ राजे बयां, मगर मुलाकात के पहले की रुसवाई से दिल डर गया था। खैर उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती का किस्सा आम होने लगा। वक्त कुछ यूं बीतने लगा कि सूरज का चांद होने लगा। और उसके पायल की झनकार को सुनता था मैं इतनी शिद्दत से, पायल पहनती थी वो, कि उसके पायल की झनकार को सुनता था मैं इतनी शिद्दत से कि आटे आती नहीं और नजरों को दीदार होने लगा। अब कुछ यूं हुआ कि मैं खुद को सजाने लगा था। शक्ल कैसी भी हो मेरी, आईना देख मुस्कुराने लगा था। और दिल में घर करने लग गई थी आदतें उसकी, क्योंकि वो अपनी पायल से मेरा दिल धड़काने लगा था। उसको उसकी पायल की आवाज से पहचानता था कि आवाज आई मतलब आई। अब कुछ ही हुआ कि एक दिन वो पायल की आवाज बंद सी हो गई। मैं राहों में जमा रहा, आंखें नम सी हो गई। वो उस रोज आया ही नहीं और मुझे लगा मानो जिंदगी खत्म सी हो गई। मेरी रूह मेरे इस इल्म पर इल्ज़ाम लगाने लगी, क्योंकि सांसों में भी महक अब मुझे उसी की आने लगी। लिहाजा नहीं हो रही थी रिहायशें उन बिन। फकत घड़ी एतबार की पास आने लगी। तीन दिन गुजरे वो शख्स मेरे पास आया। मैं थोड़ा डरा था, सहमा था, फिर भी मैंने फरमाया कि सुनो मेरा इतना सा काम कर दो ना, मेरे दिल को अपना मुकाम कर दो ना। और तुम्हारा नाम बहुत पसंद है मुझे, मेरे बच्चों की माँ का वही नाम कर दो ना, मेरे बच्चों की माँ। खैर हर ओर सन्नाटा सा छा गया और आंखों ही आंखों में बात होने लगी। मुरादें पूरी हो मेरी लिहाजा फिंगर क्रॉस होने लगी। उसके होठों की सिलवटें मुस्कुराहटों में क्या बदली कि तब से
आज तलक मेरी जिंदगी मेरे पास होने लगी, आज तलक मेरी जिंदगी मेरे पास होने लगी। लिहाजा यहाँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। खैर, क्योंकि हम भारतीय जो हैं समाज का काफ़ी समझ को काफ़ी मानते हैं, तवज्जो देते हैं, तो इश्क ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहला जो रोड़ा होता है ना, वो आता है समाज का। आप इश्क कर लेते हैं, इश्क कैसा कहते हैं कि इश्क करने में आसानी बहुत है, इश्क करने में आसानी बहुत है, मगर उसे अपनाने में परेशानी बहुत है, उसे अपनाने में परेशानी बहुत है। तो खैर, समाज फिर आ रहा है, तो समाज के लिए मैंने कहा, समाज ने बहुत कोशिशें करी कि वो हमें अलग कर दे, तो क्योंकि इश्क था मुझे, तो मैंने समाज के लिए लिखा है कि तुम बेदर करोगे मुझे उसके दिल से, तुम बेदर करोगे मुझे उसके दिल से, तुम इतना आसान मत समझ। ए जमीन पे रहने वाले तू खुद को भगवान मत समझ, ए जमीन पे रहने वाले तू खुद को भगवान मत समझ। फिर जब मैंने सबसे निपट लिया आगे, तो फिर मेरे जीवन में कुछ चेंज आए। हर किसी ऐसा कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो जो बदलाव मुझ में आए उन बदलावों को मैं लिखता हूँ, है ना, और मैंने क्या महसूस किया वो बताता हूँ कि खुद पर कहर बरपाया तुमने पर मुझ तक सुकू पहुंचाया है, खुद पर कहर बरपाया तुमने पर मुझ तक सुकू पहुंचाया है, दुनिया को आंखें दिखाई तुमने पर मुझको अपनी नजरों में बसाया है, भीड़ का था कभी हिस्सा में आज देख इस हिस्से में क्या सैलाब आया है, तेरे होने से मेरे होने में फर्क बहुत आया है। उम्र तो यूं ही में गुजार ही रहा था, अय्याशियां कर करके खुद को मार ही रहा था, उम्र तो यूं ही में गुजार ही रहा था, अय्याशियां कर करके खुद को मार ही रहा था, मनहूस हो गई थी जिंदगी, उसको महफूज तुमने बनाया है, तेरे होने से मेरे होने में फर्क बहुत आया है। लहजा अदब की अदाकारी तुमने सिखाई है, मुझसे मेरी पहचान तुमने कराई है, मेरे हर अक्स से वाकिफ, अब तेरा हमसाया है, तेरे होने से मेरे होने में फर्क बहुत आया है। चंद लाइनें हैं उसके लिए कि अपनी हर खुशी में मेरा नाम लाने वाले मुझे मुझसे उठाकर फलक पर बिठाने वाले, तेरा शुक्रिया मुझे कुछ ना से सब कुछ बनाने वाले, और हाँ मुझे मोहब्बत है तुमसे, मेरी रूह को इश्क सिखाने वाले, धन्यवाद।